लोकसभा का चुनावी दौर शुरू हो चुका है। हम इस वक्त कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में है। यहाँ के बता दें अकबरपुर कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में मात्र एक कानपुर देहात का हिस्सा रनिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जी। यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी हमारे पास राजेश कुमार द्विवेदी जी मौजूद हैं जी। उनसे जानते हैं कि कानपुर देहात के क्षेत्र से वो बसपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में उतरे हैं और किन मुद्दों से वो जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं जी। द्विवेदी जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के आप जो है चुनावी समर में हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मैं राजेश कुमार द्विवेदी अकबरपुर लोकसभा का प्रत्याशी हूँ BSP का, और आदरणीय बहन जी ने हम पर भरोसा दिखाया है तो इसका हम पूरी तरीके से निर्वाह करेंगे। और अकबरपुर लोकसभा में ये रनिया स्थित जो है फैक्ट्री एरिया है, माटी भी है, और यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके लिए कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे जिससे कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। और यहाँ कानपुर नगर व देहात में मैं ग्रेटर कानपुर बनाने का की पूरी व्यवस्था करूँगा जिसमें हमारे क्षेत्र का समस्त विकास हो सके जी। तो ये रहे बसपा के प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये रनिया विधानसभा क्षेत्र जो कि अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, इसको कानपुर देहात का, इसको कानपुर ग्रेटर कानपुर का दर्जा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और यहाँ के युवा जो है शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाएगा, यही उनका पहला कदम रहेगा। कानपुर देहात से भारत 24 के लिए बलराम चतुर्वेदी।